बेगूसराय जिले के किसान राजीव रंजन इन दिनों नींबू के उत्पादन को लेकर पूरे जिले में जाने जा रहे हैं। इन्होंने न्यूज 18 लोकल से बताया कि ये गए थे समस्तीपुर घूमने के लिए, इसे तो वहाँ पर देखे कि नींबू का खेती किए हुए है। जब किसान से बातचीत किए और उसका आय पूछे तो आय सुन के हम लोगों को आश्चर्य हुआ। तो प्रयोग के तौर पर उसी किसान से हम लोग पौधा लिए और 7 कट्ठा में शुरुआत में लगाना शुरू किए और देखे कि उससे भी अच्छा फलन हम लोगों के यहाँ हो रहा है और उससे भी अच्छा आय हुआ। तो उसके बाद हम लोग अलग अलग वेराइटी का, जिसमें कुछ सीडलेस है, कुछ बनारसी कागजी है, इस तरह का 4 प्रकार का नींबू लगाए हैं। कितना एकड़ में खेती करें? डेढ़ हेक्टेयर में 1000 पौधा लगाए हुए हैं। कमाई की बात की जाए तो कितनी कमाई हो जाती है नींबू से? एक पेड़ में लगभग 1500 नींबू होता है, जो लगभग सालों भर फल देता है। और 1 रुपये अगर मार्केट है तो 1500 मिनिमम, नहीं तो जैसे मार्केट का अभी रेट बढ़ा हुआ है तो 2000 रुपये एक पेड़ से हमें कमाई हो जाती है। अन्य किसानों के लिए क्या सलाह देंगे? अन्य किसान अगर ये नींबू की खेती करें तो बेहतर फायदा ले सकते हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि जंगली जानवर जैसे नीलगाय इसे तबाह नहीं करती है। हम लोग नीलगाय से बहुत परेशान रहते थे, तो वैसे किसान को ज़रूर सलाह देंगे कि नींबू लगाए, कम से कम अपने बगल बगल जरूर लगाए। लगातार नींबू की खेती कर रहे हैं, उनका मानना है कि 1 हेक्टेयर में खेती कर लाखों कमाया जा सकता है। उनके एक पेड़ से साल भर में 2000 कमाई होती है और उनका पेड़ सालों भर नींबू देते रहता है। इनकी इस बागवानी से जिले के अन्य किसान भी प्रेरणा ले रहे हैं। बेगूसराय से न्यूज 18 के लिए नीरज कुमार।